मैं तो हाथ तोड़ के दे देता हूँ उसके हाथ पे, मेरा तो मैं तो छूटता ही नहीं। अगर मैं होता, अगर वो SHO होता और वो अगर कार्यकर्ता पर हाथ उठाता तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ के उसके हाथ। इन सारे पहलुओं पर दोनों पक्षों से जानकारी ली है, क्योंकि सारे प्रकरण की तफ्तीश उच्च अधिकारियों के द्वारा जयपुर से CIDCB के द्वारा की जा रही है और जो मुकदमे दर्ज हुए उन मुकदमों में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो भी दोषी होंगे निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जहाँ कमियां खामियां रही है उनके बारे में भी हम लोगों ने कार्यकर्ताओं ने जो कहा उसको सुनकर पूरी जानकारी ली है। संपूर्ण प्रकरण की जानकारी दोनों पक्षों से जो तथ्य आए वो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम लोग रखे। पुलिस की वर्दी में न कोई जाति है, कोई धर्म है और एक जाति विशेष पर आरोप लगाना इस प्रजातंत्र में शोभाजनक नहीं है। मैं समझता हूँ इसको जातीय आधार पर नहीं लेना चाहिए। जी जी जी। ये जो मामला है ये मामला उच्च स्तरीय पर गया है, केसेस दोनों साइड से दर्ज हो गए हैं, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन जिस मुद्दे पर ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा उसकी तस्वीर जो है एक बार हम आपको फिर से दिखाना चाहेंगे ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए कि आखिर हुआ क्या था। आप तस्वीर देख सकते हैं, इस तरह से बात की गई थी उस दौरान। चलिए ठीक है, ये एक तस्वीर थी जो आपने देखी, एक तस्वीर। अब ये है कि उसके बाद लगातार बयान आ रहे हैं। योगेंद्र जी, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगा। आप एक पत्र का जिक्र कर रहे थे, परमिशन चाह रहे थे, उस पर आपको परमिशन क्यों नहीं दी गई और फिर अब आप किस प्रकार से आगे अपनी बात रखेंगे? देखिए, मैंने तो गया और मेरी सहानुभूति थी, सिर्फ ये नहीं गया किसी राजनीतिक उद्देश्य से, मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। लेकिन CI के थाने में अगर थप्पड़ मार दिया उसकी मुझे पीड़ा पहुंची। मैंने भी इतने साल नौकरी की है, पत्थर खाए हैं, धक्के खाए हैं, हम नौकरी में हैं, हमें इस चीज का कोई बुराई नहीं है, कोई मलाल नहीं है। मेरे तो कपड़े तक फटे हैं जब मैं कोटा में पोस्टेड था, लेकिन फटने के बाद भी वो कार्यकर्ता मुझ पर हाथ लगा कह रहा जोशी जी माफ करना, बुरा लग गया है, देखो धक्का मुक्की होगी जी साहब। अरे ये था उस समय का लोगों का प्रतिनिधित्व करने का तरीका। आज ये तरीका है कि उसके पास में अगर एक लपड़ मार दिया। ये परनामी जी बोल रहे हैं, परनामी जी के साथ उस MLA के पति ने बदतमीजी की है कोटा में, ये न भूले वो और देख ले उसके वो प्रसंग अलग है। नहीं अरे साहब, उसकी पृष्ठभूमि उसकी पृष्ठभूमि अगर आपको पता चलेगी तो हो सकता है शायद आप उसमें अपना सुधार कर ले। उस पे नहीं है, लेकिन ठीक है, वो प्रसंग अलग था और ये प्रसंग, लेकिन जितने प्रसंग हैं इनमें कहीं ना कहीं बदतमीजी या बदजुबानी जो देखने को मिलती है। श्याम सुंदर जी क्या कहेंगे, अब मूल्यों में गिरावट तो आ रही है, राजनीति में कहीं ना कहीं राजनेता जो है एक जो सीमा होती थी और एक जो सम्मानजनक बात होती थी जिसके लिए हमेशा राजनेता जाने जाते रहे हैं, भले ही अपूर्व राजनेता को किसी का भी जिक्र कर लीजिए, अमूमन उनके फॉलोअर्स होते थे, उनके कहने पर चलते थे, आज अगर इस प्रकार का आचरण होगा तो एक कार्यकर्ता या फिर पार्टी के जो भी चाहने वाले हैं उनके सामने किस प्रकार का मैसेज जाएगा? जी, जिस प्रकार से जोशी जी कह रहे थे कि पुराना जमाना अलग था, ललित किशोर चतुर्वेदी जो वरिष्ठ इनके विधायक हुआ करते थे, वसुंधरा जी खुद भी क्योंकि कोटा क्षेत्र से आती हैं, ये सब जानते हैं कि दीक्षा जो देने की बात जो कहते हैं, बीजेपी कहती है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को सिद्धांत पढ़ाते हैं, दीक्षा देते हैं, ये सारी बातें तो कोटा में तो लगता नजर आता नहीं ये सब कुछ। जिस प्रकार की घटना घटी, अगर संयमता बरती गई होती तो ये सारी घटना घटती नहीं। विधायक को अगर नॉलेज होती कि वो क्या कुछ कर सकती है, कि उसका रैंक चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है, रैंक के मामले में चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है विधायक, ऐसी स्थिति में विधायक जाकर के इस तरह की घटना करे और सारी चीज़ें हो जाए, समझदारी से अगर काम लिया गया होता ना तो ये घटना होती ना आज भाजपा को इस प्रकार की घटनाओं का
पटाक्षेप करने के लिए स्वयं प्रदेश अध्यक्ष को यदि जाना पड़े तो आप देख लीजिए कि कितनी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है पार्टी में। कभी भी प्रदेश जी मानते हैं स्थिति गंभीर हुई, आप बताइए कि प्रदेश अध्यक्ष कभी भी पार्टी का सीधे तौर पर नहीं जाता था। आप बताइए प्रदेश अध्यक्ष कभी गया हो तो बता दें कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का जाने का मतलब बहुत गंभीर स्थिति पार्टी में पैदा हो गई है, उसको डैमेज कंट्रोल किस प्रकार से किया जाए ये सारी चीजें। इसको लेकर क्या कुछ रुख है मुकेश जी? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ऐसा नहीं है कि पहली बार ही कहीं गए हैं। आप बता दीजिए मुझे तो जब कभी भी अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही है और सत्ता और संगठन के बीच में अगर कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई है तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वयं जाए या वो अपने किसी प्रतिनिधि को मनोनीत करके भेजे और इस प्रकार डैमेज कंट्रोल का काम होता रहा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि न विधायक को कानून हाथ में लेने का अधिकार है, न पुलिस के किसी अधिकारी को कानून हाथ में लेने का अधिकार। जहां तक सवाल है, आप जैसा क्लिपिंग दिखा रहे हैं, आप ये सोचिए कि एक जनप्रतिनिधि और वो भी महिला जनप्रतिनिधि अगर किसी थाने में जाती महिला जनप्रतिनिधि उपदेश सुनने के लिए बैठे कानून बताते क्यों कानून किसने थाने में थाने में अगर वो जा रही है थाने में कानून किसने हाथ में लिया अगर आपको क्यों नहीं बताते। अरे चौधरी जी, आपके विधायक ने तो बड़ी मीटिंग में एसपी के ऊपर हाथ उठाया था। आज कांग्रेस कहाँ है आप जानते हैं अच्छे से मुकेश जी। अरे तो मुकेश जी, कांग्रेस कांग्रेस कहाँ है आप ये जानते हैं अच्छे से। आपके विधायक ने जवाब दे, विधायक ने शर्मा जी आपको याद होगा, बाबूलाल ने अजमेर एसपी के तक बोलना रहता है, आपको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। आप लोगों को बोलने का सत्ता का दुरुपयोग, नैतिकता की सत्ता का बात करने नैतिकता की बात करने वाले सत्ता का दुरुपयोग करने और अपने हक की बात बताने वाले लोग और यहाँ पे पंचनामा पढ़ने वाले लोग, आप ये बताएं कि इस घटना के अंदर दोषी कौन है? राजनीतिक मत बनाइए, सुनिए, आप दोनों से आप दोनों सुनिए बात को, देखिए सुनिए, मुकेश जी, मुकेश जी जोशी जी आप भी सुनिए, आरसी चौधरी जी आप भी सुनिए, देखिए क्या है मतलब जिसके दोषी नहीं, ये आप राजनीतिकरण मत कीजिए मुद्दे का, हम सीधे सीधे बहस ये चाहते हैं। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए, सीधी सीधी बहस वाली दोनों सीधी चर्चा ये है कि आपको क्या इस बात को मानते हैं कि राजनेता जो है पहले के बजाय अब कहीं ना कहीं संयम जो है उसकी कमी हो गई है उनमें, इस बात को मानते हैं और ऐसा है तो इसमें क्या सुधार नहीं होना चाहिए, इस पर जवाब दीजिए। नहीं साहब, हालांकि मैं उस बात को लाना नहीं चाह रहा था, पर जब चौधरी जी आक्रोश में आए तो मुझे उस प्रसंग को लाना पड़ा। मैं उसको प्रमाणित नहीं कर रहा हूँ कि चंद्रकांत जी उन्होंने जो किया वो पहले बाबूलाल जी ने, इसी वजह से आज वो उस जगह पर है। आप ये बताइए आप क्या कुछ करेंगे इस मुद्दे पर? जोशी साहब मैं लाना भी नहीं चाह रहा था, जी बन गए था चौधरी जी, पच्चीस बताए, आप तो इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप जिस चैनल पे बैठे उस चैनल पे जो क्वेश्चन है उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? सुनना भी पार्टी से संबंधित बात न करें बिल्कुल। अगर जनप्रतिनिधि से कहीं बदतमीजी कोई करेगा तो निश्चित रूप से तो क्या जनप्रतिनिधि के पति को यह अधिकार है कि वो एक सीआई को उसके थाने के अंदर जाके थप्पड़ मारे? क्या ये कानून सम्मत है? आप इस बात का जवाब दे दीजिए, आप वहां मौजूद थे, आप इस बात का जवाब दे दीजिए। क्या मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ कि घटना नहीं हुई है? मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ कि घटना नहीं हुई है। विधायक के साथ बदतमीजी, विधायक के साथ बदतमीजी पहले हुई है, विधायक के साथ बदतमीजी पहले हुई है, पहले विधायक के साथ बदतमीजी हुई है, गलत है वो बताइए, विधायक के साथ पहले बदतमीजी हुई है, विधायक के साथ अगर बदतमीजी हुई है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा जवाब देंगे? अगर विधायक के साथ में बदतमीजी आपकी बात मान ले तो क्या आपके नेता यही जवाब देंगे? क्या आपके नेताओं को यही बात आती है? और बोलो, जवाब दीजिए, एक एक कर। आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी रुकिए, मुकेश जी, मुकेश जी, मुकेश जी आप बताइए, एंकर साहब आपने क्या किया है? मेरे को भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बिठा दिया, अब मेरे को भी यहाँ कानून व्यवस्था देखनी पड़ेगी। ऐसा मत करिए, ऐसा नहीं, और पार्टी से संबंधित चर्चा मत कीजिए, पार्टी का ये चर्चा कीजिए। मुकेश जी, जब भी आपके पास सवाल आ रहा है आप बात को घुमाकर वहीं लेकर आप मेरा जवाब ये है। आपका जवाब क्या है? मेरा जवाब ये है कि निश्चित रूप से पहले पुलिस के अधिकारियों द्वारा विधायक के साथ में बदतमीजी की गई और उसी के परिणाम स्वरूप कार्यकर्ता आक्रोशित हुए होंगे, विधायक के साथ धक्का मुक्की हुई, उस धक्का मुक्की में जो उन्होंने अपने उनके पति ने और कार्यकर्ताओं ने उनको बचाने का प्रयास किया उसमें पुलिस अधिकारी के साथ में धक्का मुक्की हुई। मैं न उसको विधायक के द्वारा जो किया गया कृत्य उसको सही मानता हूँ, न पुलिस के जनप्रतिनिधि द्वारा, ठीक है, दोनों तरफ से अगर किया गया है
तो निश्चित रूप से कानून का उल्लंघन हुआ है। लेकिन आज जो एकोर है नवनीत महर्षि कमेटी जांच करेगी इसका, नवनीत वो तो जांच होगा, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। इसमें इसमें जो पुलिस ने किया कि खुद ही तो जज बन गए, खुद ही ना तो लाठीचार्ज करते, रात को आठ आठ बार लाठीचार्ज, एक घटना का आठ बार लाठीचार्ज होता है। आप ये सोचे पुलिस ने पेशेंस का रखा है। फिर भी मैं एक और बात कहूंगा कि जब नवनीत महर्षि जी द्वारा यह बयान दिया जा रहा है, क्या आप इसको कानून सम्मत मानते हो? क्या एक पूर्व अधिकारी श्याम सुंदर जी एक पत्रकार के नजरिए से जिस प्रकार से पुलिस का रवैया देखने को मिल रहा है, जो पुलिस का रवैया हो रहा है, जो मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, वो गलत है? श्याम सुंदर जी आप बताइए। पूर्व अधिकारी जोशी जी, जोशी जी अगर कोई बात कह दी जोशी जी, तो जो जो सत्ता पक्ष के हैं उनको तो ये बात नहीं कहनी चाहिए। सुनिए चौधरी जी, आप भी सुनिए, क्योंकि जिस प्रकार की घटना हुई है एक चिंता का विषय तो है, हमारे विचारणीय विषय बन गया है कि पुलिस के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार हुआ है वो सहनीय नहीं है। उसके बाद जो घटना घटती है, क्योंकि जब घटना होती है उसका विरोध होता है, प्रतिरोध दोनों होते हैं, लेकिन आप बताइए कि घटना से पहले विधायक को क्या अधिकार नहीं था? वो सत्ताधारी विधायक है, क्या उसको गृह मंत्री से बात करने का कोई अधिकार नहीं था? क्या क्या कैसे परिस्थिति बनी थी? उसके बाद किस केस के क्या वो नशेड़ी व्यक्ति था जिसके जिसका चालान हुआ था, उसको बचाने गए थे क्या? कितने लॉकअप में कितने लोग बंद थे, उनको छुड़ाने गए थे क्या? छुड़ाने का अधिकार आपको है क्या? कोर्ट में जाने का अधिकार होना चाहिए, वहां जानी चाहिए। बातें तो आपने बढ़ाई, उसके बाद पुलिस को दोषी ठहराना ये कभी भी सही नहीं हो सकता। आप फिर सोचिए कि सत्ता आपकी है, सब कुछ आपके हाथ में है, कार्रवाई आप कर दोगे किसी भी अधिकारी के खिलाफ, आज नहीं बाद में कार्रवाई कर दोगे, क्योंकि हाथ कानून के हाथ तो लंबे होते हैं, लेकिन सरकार बहुत बड़ी स्थिति की पैदा करती है। विधानसभा चल रही है क्योंकि आपको सीधे तौर पर जवाब देना होगा, इसलिए घबराए हुए हो आप? नहीं नहीं, घबराहट कुछ नहीं है, घबराहट कैसे नहीं होती है? किसी भी सत्ताधारी पार्टी की जब कोई घबराहट नहीं है, जब होती है जब सदन में उसको जवाब देना होता है, जिम्मेदारी होती है। चेलावत जी आप बता दीजिए, सरकार अपना बड़ा मन करके आप बताइए, वो चाहते हैं कि अगर कोई बयान दे रहे थे गलती की, आप बताइए उसके बारे में भी जानकारी लीजिए। चेलावत जी जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो होनी चाहिए क्या? और अशोक जी परिणामी आप बताइए, बयानबाजी होनी चाहिए क्या? तो आप बताइए बयान किसने दिया? आज मैं देखिए, अगर नवनीत महर्षि जी बयान नहीं देते तो भवानी सिंह जी को कहां जरूरत पड़ती थी बयान देने की? अरे उन्होंने दे दिया, आप सुनिए जलाओ ने आप दिया तो कम से ये मैंने आज आज प्रदेश अध्यक्ष को तो नहीं बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए? अरे सच्ची कोई बात नहीं होती, अरे नहीं वो कहते हैं हाथ जोड़ के हाथ में दे दूंगा, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है, लेकिन क्या ये खेल सास बहु वाला होना चाहिए या फिर मामले को शांत रखना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। ब्रेक से लौटेंगे तो इसी पे बातचीत करेंगे। विधायक हो या कोई भी अधिकारी या नेता हो जो कि पुलिस के और प्रशासन के काम में बाधा पहुंचाता हो, ऐसे विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो हाथ तोड़ के दे देता हूँ उसके हाथ पे, मेरा तो मैं तो छोड़ता ही नहीं। अगर मैं होता, अगर वो SHO होता और वो अगर कार्यकर्ता पर हाथ उठाता तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ के उसके हाथ